In this lecture, we are going to discuss about the essay development. So essay is an basically an investigation. So essay is means what? It is basically an investigation procedure. Investigation एक analytical procedure होती है जो हम laboratory में perform किए जाते हैं, जो कि medicine field के लिए, pharmacology field के लिए, environmental biology field के लिए और अपने molecular biology के field के लिए और उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजरिंग के लिए की जाती है। क्वालिटेटिव मेजरिंग मतलब उस ड्रग का किस तरीके की क्वालिटी है, मतलब वो ड्रग की किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से जाके वो अपने टारगेट पे बाइंड करेगा, तो इस तरीके का स्टडी हमको करना है। आई थिंक समवन हैव देयर माइक अनम्यूटेड, प्लीज म्यूट योर माइक। So there is a qualitative assessment and quantitative assessment for presence, amount or functional activity of target entity. मतलब अगर हम अभी specifically किसी drug को consider कर रहे हैं, so इस drug का, इस specific drug का उसके टारगेट मॉलिक्यूल पे जाने का कितना, मतलब उसके टारगेट मॉलिक्यूल पे हिट करने का कितना उसका फंक्शन है, उसकी फंक्शनल एक्टिविटी, वो किस कंडीशन में कैसे बिहेव करता है, उसका अमाउंट टारगेट को हिट करने के लिए कितना चाहिए, ये सब हमको स्टडी करना है एसए में। तो हमने क्या किया, हमने शुरुआत में टारगेट का डिस्कवरी किया। टारगेट का डिस्कवरी करने के बाद हमने क्या किया, टारगेट का वैलिडेशन किया, हमने प्रूफ किया कि जो हमने टारगेट इन्वेंट किया है वही हमारा वैलिड टारगेट है। उसके बाद हमने उस टारगेट के अगेंस्ट कुछ ड्रग का, अभी कुछ ड्रग के मॉलिक्यूल का अभी हमें इन्वेस्टमेंट करना है। सो क्या ऐसा होता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक टारगेट मॉलिक्यूल है, तो इस एक टारगेट मॉलिक्यूल के लिए चाहे वो जीन हो सकता है, चाहे वो कोई प्रोटीन हो सकता है, या चाहे वो कोई एंजाइम हमारा हो सकता है। सिंगल वन टारगेट हमारा, जो भी हमने टारगेट वैलिड किया, एक जीन हो सकता है, एक प्रोटीन हो सकता है या कोई एंजाइम हो सकता है। क्या इस स्पेसिफिक टारगेट के लिए हमने जो भी ड्रग इन्वेंट किया है, क्या पहली बार में वो सक्सेस हो जाएगा? क्या ऐसा होगा कि हम पहली बार में ही स्पेसिफिक टारगेट के कॉम्प्लीमेंट्री या उसको इनिबिट करने वाले या फिर उसको मतलब उस पर कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी दिखाने वाले ड्रग मॉलिक्यूल का इन्वेंशन क्या हम कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? तो नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीपल स्मॉल ड्रग मॉलिक्यूल्स का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। क्या ऐसे होता है कि हमको, हम इतने होशियार है कि एक ही बार में हम ड्रग का इन्वेंशन कर सके, एक ही बार में स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का इन्वेंशन कर सके ताकि उस टारगेट को हिट कर सके? तो नहीं ना, तो ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे स्मॉल ड्रग मॉलिक्यूल का असेसमेंट करना पड़ता है, उनका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। सो हमने क्या किया, पहले शुरुआत में टारगेट मॉलिक्यूल का इन्वेंशन किया। टारगेट मॉलिक्यूल का इन्वेंशन करने के बाद हमने उसके अगेंस्ट कोई ड्रग रेस किया। अब ड्रग रेस किया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमको टारगेट का पूरा 3D स्ट्रक्चर पता चल गया और उसके अगेंस्ट हमने ड्रग इन्वेंट कर लिया। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज वाले स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्मॉल ड्रग्स का हम इन्वेंशन करते हैं। सो इसी मल्टीपल स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्मॉल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, स्मॉल ड्रग मॉलिक्यूल्स का हमें इन्वेंशन करना है। तो इसी इन्वेंशन को एनालिसिस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस ड्रग का प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब उस ड्रग का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। सो एसे इज एन इन्वेस्टिगेशन, मतलब एनालिटिक प्रोसीजर इन द लेबोरेटरी, इट इज यूज इन मेडिसिन, फार्मेकोलॉजी, environmental biology and molecular biology for qualitative and quantitative, मतलब उसका quality कैसा है और उसका quantity कैसा है, वो कितने amount में लगेगा कि हमको target properly hit। अभी तक हमने drug invent नहीं किया, हमने क्या किया, अभी बहुत सारे possible drug के molecule का हमने एक group बना लिया, हमने क्या किया, बहुत सारे possible drugs जो कि उस target पे जाके hit कर सकते हैं, उस सब का invention हमने किया। तो इसी इन्वेंशन को हमको क्या करना पड़ेगा, इसी ड्रग के ग्रुप्स को हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, हमको प्रॉपरली उसका एनालिटिक करना पड़ेगा। सो जिसका हमको एनालिटिक करना है उसको हम बोलते हैं एनालिट। सो दिस इज द एनालिट। सो एनालिट कैन बी ड्रग,
एनालाइट कैन बी ड्रग, इट कैन बी द बायोकेमिकल सब्सटेंसेस और सेल इन एन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक सैंपल। हमारा एनालाइट कुछ भी हो सकता है, हमारा एनालाइट ड्रग हो सकता है, कोई बायोकेमिकल सब्सटेंस हो सकता है, कोई सेल हो सकता है और कोई ऑर्गेनिक सैंपल हमारा हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं, हम टारगेट को भी एज अ एनालाइट कंसीडर कर सकते हैं। टारगेट को अगर हम एज अ एनालाइट कंसीडर करेंगे तो हमारे पास सिंगल एक कॉमन ड्रग होगा और उसके अगेंस्ट हम वेरियस टारगेट्स का हिट कर सकेंगे। सो द एनालाइट कैन बी ड्रग, इट कैन बी बायोकेमिकल सब्सटेंसेस और सेल इन एन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक सैंपल। एन एसे usually aims to measure an analyte's intensive property. Analytes की property इसको यहाँ पे हमको study करना है, analyte की किस तरीके की property इसकी होगी, तो इसका study करना और इनका various conditions में expression करना और various condition में expression करने के बाद ये किस तरीके की activity दिखाता है इसका study करना मतलब होता है ऐसे। सो एनालाइट क्या होता है, एनालाइट मतलब हमारा जो भी एनालाइट है उसका इन्वेस्टिगेशन करना मतलब होता है हमारा ऐसे। एंड ऐसे यूजुअली एम्स टू मेजर एन एनालाइट्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सप्रेस इट इन द रिलेटिव मेजरमेंट यूनिट। अब हमको क्या करना है, वेरियस कंडीशंस में जो भी हमने ड्रग इन्वेंशन किया है, जो भी हमारा एनालाइट है उसका हमको करना है स्टडी। सो हमको क्या क्या स्टडी करना है, उस ड्रग का, उस स्पेसिफिक जो भी हमने ड्रग इन्वेंट किया है उसका रिलीवेंस हमको स्टडी करना है। डज द रीड आउट अन इक्वली रिलेट टू द टारगेट, मतलब जो भी ड्रग हमारा है उसका टारगेट से कितना रिलीवेंस है, वो टारगेट से कितना रिलायबल है, रिलायबल और रोबस्टनेस। रोबस्टनेस मतलब वेरियस कंडीशंस में वो टारगेट के ऊपर कैसे एक्शन दिखाता है। आर रिजल्ट reproducible and statistically significant. क्या ऐसा हो सकता है कि अब क्या होता है कि कोई लोग नॉर्थ साइड में रहते हैं, कोई लोग साउथ साइड में रहते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है। अब किसी सेल पे अब अगर हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, सेलुलर लेवल पे अगर हम इन्वेस्टिगेट उस ड्रग का कर रहे हैं, तो उस सेल को क्या किया जाता है, उस सेल को वेरियस टेम्परेचर कंडीशन में, वेरियस पीएच कंडीशन में, वेरियस ऑक्सीडेटिव कंडीशन में उनको रखा जाता है और ये देखा जाता है क्या हर एक कंडीशन में, हर एक वेरियस कंडीशन में वो स्पेसिफिक डिस्टिंग्विश्ड मॉलिक्यूल हर एक बार सेम तरीके का क्या इफेक्ट दिखा सकता है, क्या ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। और उसके बाद में ड्रग की प्रैक्टिकलिटी, डू टाइम रिएजेंट एंड एफर्ट कोरिलेट विद द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिजल्ट, क्या ये अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट क्या ये दे सकता है, प्रैक्टिकली है क्या ये ड्रग सच में उस ड्रग को, उस टारगेट को क्या ये हिट कर सकता है, उस डिजीज के लिए काम में आ सकता है, क्या ये फिजिबल है, क्या ये फिजिबल है, क्या कैन ऐसे बी रन विद रिसोर्सेज एट हैंड, क्या जो भी हमने ऐसे का इन्वेस्टिगेशन करना है, जिस भी ड्रग मॉलिक्यूल का इन्वेस्टिगेशन करना है हमको, क्या हम उस मॉलिक्यूल को रिपीटेटिव यूज कर सकते हैं, क्या उसका ऑटोमेशन हम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्क्रीन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। अगर हमने बहुत हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अगर हमको स्क्रीन करना है, क्या हम उसकी ऑटोमेशन कर सकते हैं, क्या हम उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम रख सकते हैं, कैन ऐसे बी ऑटोमेटेड एंड रन एट हाईली पैरेलल फॉर्मेट, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके लिए भी हमको ऐसे का स्टडी करना होता है। सो इज द ड्रग इज कॉस्ट इफेक्टिव, इसका असे करने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए क्या हमको इजी जाएगा, क्या इसके रिसोर्सेज, जिस भी रिसोर्सेज से हम ड्रग निकाल रहे हैं, ड्रग हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो ऐसे डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज हम देखते हैं कि ऐसे किस में कर सकते हैं। सो ऐसे कैन बी द कंपाउंड ऐसे कैन बी परफॉर्म इन विट्रो और सेल बेस्ड मेथड। सो व्हाट इज सेल बेस्ड मेथड, सेल बेस्ड मेथड क्या हो सकती है, फिर व्हाट इज सेल बेस्ड मेथड या सेलुलर मॉडल किसको बोल सकते हैं हम, और ये क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, चलो मैं बता देता हूं कि सेल बेस्ड मेथड क्या होती है, कि सेल बेस्ड मेथड में हम पूरे ऑर्गेनिज्म पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं,
पूरे होल ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी एनिमल मॉडल में हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। समझो कोई लीवर पे हमारा टारगेट है, कोई लीवर सेल पे हमारा हमारे ड्रग का या फिर डिसीज का स्पेसिफिक टारगेट है। समझो ये हमारा है लीवर, और इसी लीवर के कुछ सेल्स को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। सो वी हैव एक्सट्रैक्टेड सम सेल्स ऑफ द लीवर एंड अवर डिसीज टारगेट और ड्रग टारगेट इज प्रेजेंट ऑन दैट सेल्स। सो हम क्या करेंगे, हम इस सेल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, इस सेल को हम लैब कंडीशंस में एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसको क्या करेंगे हम, इसका हम करेंगे ऐसे ऐसे, मतलब जो भी हमारा स्पेसिफिक ड्रग है उस ड्रग को रेज करेंगे इस स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर। अब ये ड्रग हमारा सिंगल नहीं हो सकता, ये ड्रग हमारा मल्टीपल वेरियस टाइप्स के वेरियस मॉलिक्यूल्स, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग ये हमारे हो सकते हैं, वेरियस डिफरेंट मॉलिक्यूल ये हमारे ड्रग के हो सकते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ, हमने पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में इसका इन्वेंशन नहीं किया, इसका ऑब्जर्वेशन नहीं किया, तो हमने क्या किया, स्पेसिफिक सेल को हमने जो भी हमारे रिलेवेंट सेल थे उस ड्रग के अगेंस्ट, मतलब उस डिसीज के रिलेवेंट जो सेल्स थे उसका हमने एक्सट्रैक्शन किया, और उसका एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमने क्या किया, सेल बेस मेथड से हमारा ऐसे डेवलप किया। तो इससे क्या फायदा हुआ हमारा, ऐसा क्यों किया हमने, हम तो पूरे ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट कर सकते थे ना, हम पूरे ऑर्गेनिज्म पे, होल ऑर्गेनिज्म पे क्या हम इसका स्टडी नहीं कर सकते थे? हाँ हम ऐसा स्टडी कर सकते थे, पर हमने ऐसा क्यों किया, हमने लीवर के सेल एक्सट्रैक्ट किए, उसको मल्टीप्लाई किया, और उसका हमने ऐसे किया, उसको हमने ड्रग, उसके अगेंस्ट हमने ड्रग राइज किया, तो ऐसा क्यों किया हमने? So to reduce the double cost. Yes, Gopal. Sir, labor cost मतलब कम करने के लिए, और मतलब इनपुट कम देकर आउटपुट ज्यादा निकालना, ये उसका एक पर्पस है। लेबर कॉस्ट कम करने के लिए, ओके। और चेतना बताइए। टारगेट स्पेसिफिसिटी। टारगेट स्पेसिफिसिटी, वेरी गुड। हम टारगेट स्पेसिफिसिटी इससे अचीव कर सकते हैं, पर क्या हम इसको बायोलॉजिकल पाथवे से मिमिक कर सकते हैं, क्या जो हमारे ऑर्गेनिज्म लेवल पे जो भी पाथवे चलेंगे उससे मिमिक कर सकते हैं हम? यस सर। यस वी कैन मिमिक द बायोलॉजिकल पाथवेज, और कोई जो भी सिग्नल ट्रांजक्शन पाथवे डिसीज में चलेगा तो उसको हम मिमिक कर सकते हैं, पर हर एक स्पेसिफिक कंडीशन को हम मिमिक नहीं कर सकते। तो इस मेथड के थोड़े डिसएडवांटेज भी हमारे पास है। सो हम देख रहे हैं सेल बेस्ड एसे डेवलपमेंट। सो बेसिकली सेल बेस्ड एसे डेवलपमेंट इज द एसे इन द सेल बेस्ड मॉडल। सेल बेस्ड मॉडल में किसी ड्रग का हमको ऐसे करना है, किसी टारगेट मॉलिक्यूल का हमको ऐसे करना है। सो वी कैन स्टडी, हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, सम कैटालिटिक एक्शन ऑफ आइसोलेटेड एंजाइम। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल बेस मेथड क्या होती है। सेल बेस मेथड में क्या किया जाता है, जो भी हमारा बेसलाइन जिसको हमको स्टडी करना है, जो भी हमारी स्टडी करने वाले मॉलिक्यूल्स है, तो उसका हमको सेल्स को एक्सट्रैक्ट हमको करना पड़ेगा, और उस सेल्स में क्या हो गया, हमारे टारगेट प्रोटीन हो गए। अब उस टारगेट प्रोटीन के अगेंस्ट हमको कोई कंपाउंड रेज करना है। अब ये कंपाउंड ने उस टारगेट को अचीव किया है या नहीं, उस टारगेट को बाइंड किया है नहीं, या भी जो भी उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी है वो की है या नहीं, उसके उसका हमको उसके बाद डिटेक्शन करना होगा। अब ये डिटेक्शन करने के लिए सेल को लाइज किया जाता है, वेरियस फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके उनकी एक्टिविटी, उनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी हम स्टडी कर सकते हैं। सो हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, कैटालिटिक एक्शन ऑफ आइसोलेटेड एंजाइम्स, बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, एंटीबॉडी टू एंटीजन। उसके बाद ग्रोथ पैटर्न ऑफ इंजीनियर्ड सेल्स, मतलब हमने कोई कंपाउंड उस टारगेट के अगेंस्ट राइज किया,
अगर उस कंपाउंड का सेल के स्पेसिफिक सेल को ग्रोथ पैटर्न में कोई चेंज हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड को अबॉर्ट कर सकेंगे। मतलब अगर सेलुलर लेवल पे उस कंपाउंड का सेल के ऊपर कोई डैमेज हुआ तो हम उस ड्रग को वहीं पे रोक सकते हैं। सो इसी पूरे डेटा का मॉनिटर हमको करना है ऐसे में। सो दिस ऑल डेटा इज मॉनिटर। सो इसी मॉनिटर को करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, रिकॉम्बिनेंट रिएजेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेल के ऊपर कितना स्पेसिफिक इंपैक्ट है, हाउ द स्पेसिफिक इंपैक्ट ऑफ कंपाउंड ऑन सेल, ये हमको यहाँ पे पता चलता है। सो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म वी हैव स्टडीड इन द सेल बेस्ड मॉडल, दैट इज एसे डेवलपमेंट। सो इन विट्रो एसे मॉनिटर्स द सरोगेट रीडआउट। सरोगेट मतलब जो भी हमारा कंपाउंड है, जो भी हमारा टारगेट है, वो क्या किया हमने, किसी दूसरे सेल के ऊपर डाल दिया। मतलब पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल ना करके हमने क्या किया, सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स का इस्तेमाल किया, जो भी रिलेवेंट हमारे सेल थे उनका इस्तेमाल करके हमने क्या किया, उन स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल का ऐसे किया। एग्जाम्पल रीडआउट्स, एग्जाम्पल ऑफ रीडआउट्स, हमको क्या क्या स्टडी करना है, एक्शन ऑफ आइसोलेटेड एंजाइम, बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी टू डिफाइंड एंटीजन और ग्रोथ ऑफ इंजीनियर सेल लाइन। मतलब जो स्पेसिफिक आइसोलेटेड एंजाइम था उसने किस तरीके से एक्शन किया वहां पे, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन किस तरीके की थी, ग्रोथ ऑफ इंजीनियर सेल लाइन किस तरीके से ग्रोथ पैटर्न में चेंजेस हुआ, इन सब का स्टडी हमको करना है इन विट्रो सेल बेस्ड मॉडल में। सो आइसोलेट्स फ्रॉम लाइसेट, होल क्रूड लाइसेट्स और इंटैक्ट सेल इज यूज्ड इन विट्रो एसे सिस्टम। सो इट मॉनिटर एक्टिवेशन एंड अपरेगुलेशन ऑफ सर्टन जीन। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक जीन का एक्टिवेशन, किसी स्पेसिफिक जीन का अपरेगुलेशन किस तरीके से हुआ, या स्पेसिफिक टारगेट की साइटोटॉक्सिसिटी यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये बहुत तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकती है, टारगेट मॉलिक्यूल को अचीव करने में यहाँ पे बहुत तकलीफ जाती है। सो दे कंबाइन सेवरल मॉलिक्यूलर कंपाउंड टू मिमिक द फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में होगी तो उसको क्या करना है, हमको लैब कंडीशन में उसको मिमिक करना है, उसकी कॉपिंग हमको करना है। सच एज एक्टिवेशन ऑफ सिग्नल ट्रांजक्शन पाथवे, अगर हम किस कोई सिग्नल ट्रांजक्शन पाथवे कर रहे हैं स्टडी, तो उसका उस स्पेसिफिक सेलुलर ग्रुप में एक्टिवेशन ये होना चाहिए। सो इन जनरल इन विट्रो एसे आर द मोस्ट रोबस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। रोबस्ट मतलब उसमें वेरियस कंडीशंस का स्टडी हम कर सकते हैं और वो एनिमल मॉडल के कंपैरिजन में दे आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड हैव फ्यूअर इथिकल इंप्लिकेशंस देन होल एनिमल एक्सपेरिमेंट्स। फॉर दोस रीजंस दे आर यूजुअली चूजन फॉर हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग्स वेयर टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट आर जनरेटेड इन अ हंट ऑफ नोवेल ड्रग मॉलिक्यूल। इसी वजह से क्या होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मतलब यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा लगता है और कोई इथिकल इंप्लीकेशंस भी यहाँ पे हो सकते हैं, हैव फ्यूअर इथिकल इंप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे एनिमल मॉडल के कंपैरिजन में कम इथिकल इंप्लीकेशंस यहाँ पे हो सकते हैं। अगर यहाँ पे रिजल्ट्स हमको नहीं मिला तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी हमारा ऐसे है वो हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग के लिए भेजा जा सकता है। हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग क्या होती है ये हम आगे चल के देखने वाले हैं। सो उसके बाद में हम देखते हैं होल ऑर्गेनिज्म में ऐसे डेवलपमेंट करना। सो ऐसे डेवलपमेंट इन विवो एंड एनिमल मॉडल। सो इन विवो टेस्टिंग इन्वॉल्व्स होल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे होल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। इट असेसेस बोथ फार्माकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल इफिशियंसी इन पैरेलल। सो फार्माकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग और मेडिकेशन एक्शन। तो सेम यहाँ पे भी ड्रग की किस तरीके से एक्शन होती है, उसकी मेडिकेशन की किस तरीके से एक्शन होती है, और ये हमको और उसकी उस स्पेसिफिक ड्रग की बायोलॉजिकल इफिशियंसी कितना है, ये सब पैरेलली हम स्टडी कर सकते हैं। सो एनिमल मॉडल हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देन मिमिक ह्यूमन डिसीज। एनिमल मॉडल क्या कर सकते हैं, जो भी ह्यूमन को डिसीज हो सकते हैं उसकी मिमिक्री ये कर सकते हैं। आपको पता है माउस की मेटाबॉलिज्म ह्यूमन से लगभग सेम है, इसलिए हम क्या करते हैं माउस को एज अ एनिमल मॉडल ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर कोई भी ड्रग हमको
इन्वेड किया तो वो ह्यूमन को ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने से पहले क्या किया जाता है, माउस के ऊपर उसका यूज करके देखा जाता है। सो क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी हम किसी डिसीज के लिए स्पेसिफाइड क्रिएट कर सकते हैं, आपने पहले लेक्चर में स्टडी किया होगा। सो क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स मॉडल बाय जीन डिलीशन, मॉड्यूलेशन और एडिशन बाय और किसी जीन के एडिशन के लिए हम डिसीज मॉडल तैयार कर सकते हैं। सो पावर ऑफ प्रेडिक्शंस इज इंप्रूव्ड ड्यू टू यूज ऑफ एनिमल मॉडल। अब एनिमल मॉडल का यूज, अब सेलुलर सेल मॉडल्स और एनिमल मॉडल्स में डिफरेंट क्या है कि सेल मॉडल में क्या होता है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस स्पेसिफिक ड्रग का साइड इफेक्ट होल ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का होता है, पर एनिमल मॉडल्स में हम क्या कर सकते हैं, साइटोटॉक्सिसिटी हम प्रॉपरली उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी हम प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन हम प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। मतलब जो भी ड्रग का प्रेडिक्शन है वो किस तरीके से एक्ट करेगा, ये प्रेडिक्शन जो है वो एनिमल मॉडल्स में इंप्रूव हो जाता है। सो बट सम साइंटिस्ट हैव बिलीव्ड दैट देयर इज अ इनएडिक्वेट नंबर ऑफ एनिमल मॉडल, पर साइंटिस्ट मानते हैं कि हमको और प्रॉपरली एडिक्वेट, मतलब और प्रॉपर जो ह्यूमन से लगभग रिसेंबल करता हो तो उससे उससे ज्यादा हमको क्या चाहिए, और प्रॉपर जो है एनिमल मॉडल्स का हमको रिक्वायरमेंट होती है। सो साइंटिस्ट ये ढूंढने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं कि जो भी डिसीज मॉडल है, जो भी सिग्नलिंग पाथवे है, जो ह्यूमन पे हमको स्टडी करना है, जो ह्यूमन डिसीज के लिए हमको स्टडी करना है, क्या हम उसका ट्रांसजेनिक एनिमल में कम ज्यादा से ज्यादा उसकी मिमिक्री ये कर सके। तो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव लॉन्ग यूज एनिमल मॉडल्स इन प्री क्लिनिकल एफिशिएंसी एंड सेफ्टी स्टडी। प्री क्लिनिकल एफिशिएंसी मतलब ड्रग की सेफ्टी के लिए, प्री क्लिनिकल एफिशिएंसी ड्रग कितना एफिशिएंट है और ड्रग की सेफ्टी के लिए फार्मेकोलॉजिकल कंपनीज क्या करती है, एनिमल मॉडल्स का इस्तेमाल करती है। विद द इमर्जिंग नॉलेज ऑफ होल जीनोम, होल जीनोम का हमको पता चला, रिसर्चर आर नाउ इंक्रीजिंगली सीकिंग एनिमल्स मॉडल नॉट ओनली ऑफ स्पेसिफिक डिसीज बट ऑल्सो देयर अंडरलाइंग पर्टिकुलर पाथवे टू ब्रॉडन एसेस फ्रॉम फार्मेकोलॉजी टू इंक्लूड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट को होल जीनोम का पता चल गया है लगभग, तो रिसर्चर क्या कर रहे हैं, उन एनिमल मॉडल्स में वेरियस चेंजेस करके देख रहे हैं और प्रॉपरली हमको ह्यूमन डिसीज की मिमिक्री क्या हम उस एनिमल मॉडल में कर सकते हैं, उसका ये कंटिन्यूसली स्टडी ये चलता जा रहा है। सो डिसीज मॉडल्स आर यूजुअली इनकम्प्लीट मॉडल्स ऑफ पैथोलॉजी और मैकेनिज्म एंड देयर यूटिलिटी इन ड्रग स्क्रीनिंग इज लिमिटेड बाय द वैलिडिटी ऑफ पाथवे इन ह्यूमन डिसीज पैथोजेंस। अब ये क्या होता है कि ह्यूमंस की जो पैथोजेंस है, ह्यूमन के ऊपर एक पैथोजन अगर अलग तरीके से एक्ट करता होगा तो वही पैथोजन स्पेसिफिक एनिमल मॉडल कंसिडर करते हैं माउस, माउस के ऊपर वो वही पैथोजन अलग तरीके से एक्ट करेगा, तो क्या ये हो सकता है कि ह्यूमन को एक वायरस इन्फेक्ट करे और वही वायरस माउस या एनिमल मॉडल को इन्फेक्ट कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो ये वेरियस प्रॉपर्टीज या ये वेरियस पॉसिबिलिटीज वहां पे होती है, उनकी इम्यूनोलॉजी अलग होती है और हमारी इम्यूनोलॉजी अलग होती है, उनकी इम्यून सेल्स अलग होती है, हमारी इम्यून सेल्स अलग होती है और ये इम्यून रिस्पॉन्स अलग होता है। इसके लिए डिसीज मॉडल्स में या फिर एनिमल मॉडल्स में ये हमारे पास लिमिटेशन आ जाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया सबको, सिंपल सा पॉइंट है, एनिमल मॉडल्स में हमको किस तरीके से एसिड डेवलपमेंट करना है, एनिमल मॉडल्स क्या होते हैं और सेल बेस्ड मॉडल क्या होते हैं, ये हमने अभी तक पढ़ा आज के लेक्चर में। समझ में आया सबको? यस।